छह अंक का प्रश्न है, प्रश्न 17। 3 माइनस करणी 2 बटा 3 प्लस करणी 2, हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए हर का परिमेयकरण करना है, तो प्रश्न पहले लिख लेंगे। अब हर का परिमेयकरण, तो याद रखिए ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर। यहाँ पर आपको गुणा करना है, ये नीचे वाले को ऊपर नीचे दोनों में लिखते हैं, लेकिन प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस, ऊपर नीचे दोनों में। देखिए ऊपर को देख के नहीं लिख रहा हूँ ना, नीचे को ऊपर नीचे दोनों में लिखना है। प्लस है तो माइनस करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करते हैं। अब गुणा है तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का। देखिए इस 3 का गुणा आपको किससे करना है, 3 से करना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो 3 को लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं, 3 माइनस करनी 2, फिर माइनस करनी 2, फिर कोष्टक में लिखना है 3 माइनस करनी 2। मतलब इसको लिखना है, फिर इसको पूरा लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसको पूरा लिखना है। और नीचे में आप लगा देंगे फार्मूला, तो नीचे में फार्मूला लग जाएगा। नीचे का भी आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट बन जाएगा। इसको आपको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। या बात समझनी है तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो पहला हम क्या दिया है, 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस, दूसरा हम क्या दिया है, करणी 2, तो करणी 2 का वर्ग। क्लियर इतना। अब देखिए ऊपर में वैसा क्यों नहीं किए, क्योंकि ऊपर में देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। क्लियर है। और पहला पहला एक जैसे होना चाहिए, दूसरा दूसरा एक जैसे, तब ये फार्मूला लगेगा। अब ऊपर का गुणा होगा तो 3 दिया क्या हो जाएगा, 9। याद रखिए इसको 3 दूनी 6 नहीं करना है, ये करनी वाला है या बिना करनी, तो उसका गुणा नहीं होता, तो उसको वैसे ही लिख देना है। माइनस है तो माइनस, 3 करनी 2 ही लिख देना है। ये 3 को लिखना है करनी 2 माइनस, वैसे फिर देखिए 3 करनी 2, तो उसको वैसे ही लिख देना है 3 करनी 2। अब इसका गुणा हो जाएगा, देखिए करनी करनी गुणा हो जाएगा, तो करनी 2 करनी 2 का याद रखिए, करनी 2 करनी 2 का गुणा करेंगे सिर्फ आएगा 2। क्लियर है। उसको 2 दूनी 4 नहीं करना, अगर 2 दूनी 4 करेंगे तो फिर से 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट आपको करनी को हटा देना है और 2 को लिख देना है। अब चिन्ह पे ध्यान देना है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस माइनस नहीं होता ना, प्लस 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 ही होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, जब उसका गुणा करेंगे तो गुणा के रूप में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, नीचे को तो वैसे लिखते जाना है। देखिए 3 दूनी 6 नहीं करनी, सो क्या कर सकते हैं आप, 3 गुणा 3 कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और करनी कट गया, कितना बचा 2। तब यहाँ से क्या हो गया, देखिए ये 9 है और ये 2 है, ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ता है, देखिए करनी दो है तब जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 करनी 2। इस 3 और इस 3 को जोड़ना है, इसको 2 और 2 4 नहीं करना है, 3 3 कितना हो गया 6, करनी 2 को एक बार लिख देना है, बटा 3 3 9 माइनस 2, तो 11 हो गया। अब ये वैसी रहेगा, 11 में से 6 गया, 5 ऐसे नहीं करने, इसमें करनी है इसमें नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा, वैसा ही रहेगा। और ये 9 में से 2 गया 7, ये क्या है इसका आंसर। क्लियर। तो याद रखना है हर के परिमेयकरण में नीचे में ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगता ही है, ऊपर को आपको गुणा कर रहा है बस। गुणा में भी आपको ध्यान देना है, करनी करनी का गुणा होता है। देखिए अथवा हम दिया है, सिद्ध कीजिए, एक बटा ये दिया है 1 प्लस एक्स घात ए माइनस एन प्लस, ये हो गया एक बटा दिया है 1 प्लस एक्स घात एन माइनस एम बराबर एक, एक लाना है तो इस साइड को लिख लेंगे। ये दिया है इतना, एक धन एक्स घात ए माइनस एन, ये प्लस हो गया, एक बटा हो गया एक धन एक्स घात एन माइनस एम। प्रश्न को ही लिखा हूँ, इसको नहीं लिखना, इतना लाना है। अब यहाँ पर देखिए इसको ऊपर को तो वैसे लिखना है, एक को भी वैसे लिखना है, ये क्या हो जाएगा घातांक के नियम से एक सी घात एम बटा एक सी घात एन हो जाएगा, ये है ना घातांक का नियम होता है। क्लियर है। कोई भी चीज़ इस प्रकार अगर रहेगा एक ही घात एम माइनस एन, तो इसको आप एक ही घात एम बटा एक ही घात एन ऐसा लिख सकते हैं। अब वैसे ये भी हो जाएगा, इसको देखिए ये एक हो गया बटा ये वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा एक सी घात एन बटा एम, क्या हो जाएगा एक सी घात एम, ऐसा इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। माइनस वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से इसका तिरय गुणा होगा, ये इसका इस पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से
कितना होगा, ये एक्स, ये एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, फिर से नीचे में ये बचा ही रहेगा एक सी घात एन प्लस, यहाँ पर देखेंगे एक बटा, इसका भी ऐसे गुणा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा एक सी घात एम प्लस एक सी घात एन बटा ये एक सी घात एम बचा ही रहेगा, क्लियर होगा। ये ऊपर आएगा यहाँ पर लेकिन वो नीचे में रहेगा ही रहेगा, वैसे ये ऊपर आया लेकिन नीचे में रहेगा। अब इस प्रकार क्या होता है, ये जो नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा, वैसे ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एक सी घात एन का गुणा एक में करेंगे तो एक सी घात एन ही होगा, फिर इसको आप वैसे लिख देंगे एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, वैसे ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो क्या होगा एक सी घात एम वैसा ही रहेगा, इसको आप वैसे लिख देना है एक सी घात एम प्लस एक सी घात एन। अब ध्यान से देखिए ये नीचे वाला, देखिए एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, यहाँ पर ये हो जाएगा एक सी घात एन, ये नीचे वाला एक जैसे है, या फिर एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम वैसे लिख रहा हूँ, इसको भी वैसे लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया हूँ, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, क्लियर हुआ। इसको मैं आगे पीछे किया हूँ क्यों, क्योंकि इसको एक जैसे करना है, पहला पहला जैसे दूसरा दूसरा एक जैसे, जैसे आप दो प्लस तीन लिखे या तीन प्लस दो लिखे, दोनों को मतलब एक ही होता है, दो तीन पाँच और तीन दो पाँच, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको आगे पीछे लिखे, तो वैसे इसको आगे पीछे किया हूँ, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये और ये एक जैसे है, तो जो एक जैसे उसको एक बार लिखते हैं तो एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, और ऊपर को जैसा बचा है वैसे लिख देते हैं एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, क्लियर हुआ। देख लीजिए नीचे एक जैसे है तो उसको एक बार लिखते हैं, फिर ऊपर जैसा है वैसे लिख दिए एक सी घात एन प्लस एक सी घात एम, अब ये दोनों क्या है कट जाएगा, तो आपको ऐसे तिरछा कटाना है, ये ऐसे नहीं कटाना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, और कट गया कितना बचेगा एक, जैसे आप दो और दो का भाग देते हैं तो कट जाता है कितना बचता है एक, वैसे ये कट गया कितना बचा एक, ऐसे तिरछा ही कटाना है, क्लियर। तो इस प्रकार आपको बना बना के देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे चूंकि यहाँ हमको एक लाना था, पैरों नहीं लगाएंगे, सब में बराबर लगाएंगे, क्योंकि सिद्ध कीजिए वाला है, सिद्ध कीजिए हम सब में क्या लगाते हैं बराबर, तो इस प्रकार आपको इसमें बराबर लगाना है, और यहाँ पर लिख देना प्रूव या फिर सिद्ध हुआ, ऐसे आपको लिख देना है।